दोस्तों आज की कहानी है ननन जी आपके पास मेरी बहू को देने के लिए उपहार नहीं है लेकिन आशीर्वाद तो है ना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दूथो नाव पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू इतने सारे आशीर्वाद दे दिए फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ कभी देखा मानव को इतना आशीर्वाद देते हुए। मंजू जी अपनी बहू निया से कहती हैं। निया बोली मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए कोई आशीर्वाद दिया कीजिए जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं ना कहीं बस आपका ही फायदा है। मंजू जी बोली वो कैसे। निया बोली मुझे आज भी याद है जब मैं शादी करके आई थी तब आप कहती थी दूतो नाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला उसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे तो आप कहती तुम्हारा घर धन से भरा रहे अब धन तो इसी घर में आएगा कौन से मेरे मायके जाएगा। मंजू जी बोली बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। निया बोली मम्मी जी लोगों की सॉरी उनका तो काम कहना है पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करो मैं रहती हुआ हूँ वो तो सेवा भी तो आपकी करूँगी। मायके जाकर माँ बाप की सेवा तो करूँगी नहीं फिर इन सब में मैं कहाँ हूँ। मंजू जी बोली बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। निया मुस्कुरा कर बोली मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती हैं। निया के वहाँ से जाते ही मंजू जी अपने पति कौशल जी से बोली सुना आपने बहू क्या कह गई। क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। कौशल जी मुस्कुराकर बोले माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। मंजू जी बोले आप कहना क्या चाहते हैं साफ साफ कहिए। कौशल जी बोले ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव कारण उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वह अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू शादी करके आई थी तो वह पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता सही था वहीं तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी तो कहीं ना कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मंजू जी गुस्से में वो बोली वह तब की बात थी अपनी बात मनवा के आखिर वह नौकरी कर तो रही है अब उसे मुझसे क्या शिकायत है। कौशल जी बोले तुम उसके काम करने से खुश हो कौशल कॉलेज जाने से पहले उसे इतना काम बताती कि हर रोज उसे लेट हो जाता है जब भी वह जाती है या आती कुछ ना कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो। मंजू जी बोली वह तो मेरा बेटा है उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ। कौशल जी बोले वही तो बात है ये घर तुम्हारे अकेले बेटे के पैसे से नहीं चलता बल्कि बहू का भी योगदान है फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती। मंजू जी उदास बेटे हो गई तो कौशल जी बोले मंजू एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो तो
अपने आप तुम दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर कौशल जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8:30 बज गए। मानव दफ्तर के लिए निकल रहे थे। मंजू जी बोली, मानव 15 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मानव बोला, माँ उसके सकर में मुझे घूमकर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर मानव चले गए। 15 मिनट बाद निया तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब बना दी हूँ, सब समय पर खा लीजिएगा। बंटी अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना, मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। मंजू जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाती। निया उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। कौशल जी और मंजू जी की दवाई खान पान सबका ख्याल निया रखती थी, क्योंकि मानव को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज मंजू जी की ननद कमला जी आई। निया ने एक रोज की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वह कॉलेज जाने लगी तो कमला जी बोली, भाभी ये क्या बात हुई कि बहू बैंग टांग कर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर सर छोड़ जाती है? कौशल जी बोले, कमला हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीजों का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? मंजू जी निया से धीरे से बोली, बहू देखना तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कितनी बातें सुनाएगी और सार घर में बताएगी, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज की तरह निया उनके पैर सूखकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है जाओ। कौशल बाबू ने मंजू जी की तरफ देखा तो मंजू जी निया के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर निया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीत रहा था। बुआ जी को आए हुए करीब 10 दिन हो गए। निया का काम बढ़ता जा रहा, जिसे देखकर मंजू जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फोन आया तो वह ने जाने की तैयारी की। निया सुबह 5 बजे जगी, बुआ जी को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने मानव को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और निया की तरफ देखी भी नहीं। ये बात मंजू जी को बुरी लग गई। मंजू जी बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है, आपने मानव को आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू को खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वास्थ्य रहने का ही आशीर्वाद दे दो, अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं बहू ही बनाकर खिलाएगी। कमला जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वह निया के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ्य और सुहागन रहो। कमला जी के जाते ही निया ने मंजू जी को कसकर गले से लगाया और बोली, मम्मी जी आज आप सास से मेरी माँ बन गई, आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वह कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी निया जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती, मंजू जी ढेर सारे उसे आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ्य रहो और तरक्की करो, जिसे सुनकर निया मुस्कुराती और वहीं कौशल जी बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते। माना भी थोड़ी देर से निकलता और निया को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी कोई फर्क